मेरा एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था WPL का, क्योंकि ऑलमोस्ट सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ खेलने का मौका मिला था. वो कैसे रहते हैं और उनका माइंडसेट क्या रहता है जब वो मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड मतलब प्लेयर्स के साथ खेलते हैं, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस था. मैं बहुत एक्साइटेड हूँ. और WPL तो एक ऐसा फॉर्मेट है जो मतलब सब खेलना चाहते हैं, बहुत कम मौका मिलता है ऐसा मतलब फॉर्मेट वगैरह खेलने का, तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ खेलने के लिए. मतलब मुझे शुरू से इंटरेस्ट था स्पोर्ट्स में, तो मैंने स्केटिंग से स्टार्ट करा था. फिर एक्चुअली मेरा मतलब जो मेरी फैमिली थी वो काफ़ी क्रिकेट को लेके मतलब बहुत एक्साइटेड थी, सब कुछ था और काफ़ी सपोर्ट भी करती थी क्रिकेट को लेके. तो तब मैंने उधर से क्रिकेट खेलना स्टार्ट करा था, एज अ मीडियम पेसर स्टार्ट करा था. तो फिर तब मैंने शेन वॉन की काफ़ी वीडियोज़ देखी थी, तो मैंने सोचा कि ये आर्ट सीखना है मुझे. तो तब मेरा लेग स्पिन से प्रोफेशनली स्टार्ट हुआ था. मुझे ऐसा लगता है जैसे WPL एक ऐसा फॉर्मेट है जिससे मतलब क्रिकेटर्स की काफ़ी ग्रोथ हो सकती है, जो इंडियन क्रिकेटर्स हैं. जैसे कि डोमेस्टिक में जो अच्छा परफॉर्म करता है उसको चांस मिल सकता है WPL में प्ले करने का, और जो WPL में अच्छा करेगा वो ऑटोमेटिकली वो ऊपर जाता रहेगा. तो ये काफ़ी अच्छा फॉर्मेट है और डेवलप काफ़ी हुआ है एक साल में क्रिकेट. जैसे U19 वर्ल्ड कप भी स्टार्ट हो गए, एशिया कप्स भी होते हैं वुमेंस के, तो काफ़ी डेवलप हुआ है क्रिकेट इंडिया में. तो मेरे लिए सबसे ज़्यादा एक्साइटिंग प्लेयर शायद सोफ़ी है, क्योंकि मुझे काफ़ी अच्छा लगता है उसे देखना और काफ़ी वॉच करना, क्योंकि जो उसका कॉन्फिडेंस है बॉलिंग में वो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब वो बिल्कुल भी मेंटली प्रेशर नहीं लेती, पॉजिटिव रहती है और उसका कॉन्फिडेंस काफ़ी मुझे अच्छा लगता है, तो उसे वॉच करना अच्छा लगता है. मतलब उनका ऐसा रहता है जैसे एक बॉल अगर बुरी चली गई तो मतलब वो कमबैक काफ़ी जल्दी कर लेते हैं, तो ये चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगती है उनकी. मतलब जैसे वो रन्स लीक हो रहे हैं बॉलिंग में उनके, तो वो कमबैक कैसा करते हैं, तो वो चीज़ देखने में अच्छी लगती है. मुझे काफ़ी अच्छा लगता है मतलब लोगों मतलब जो काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, इधर दीप्ति दी हैं, वो करंट में इंडिया खेल रही हैं, काफ़ी टाइम से खेल रही हैं, तो उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करना और उनके साथ उनका एक्सपीरियंस लेना, सबका एक्सपीरियंस लेना. और सोफ़ी जो कि No. 1 T20 बॉलर है उनके साथ, और राजेश्वरी दी भी मतलब काफ़ी एक्सपीरियंस प्लेयर है, तो उनके साथ मतलब खेलना और उनका क्या माइंडसेट रहता है खेलते वक्त, तो वो देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता है. मतलब सेमीफाइनल तो एक ऐसा होता है कि अगर आप हार गए तो बाहर ही, नॉकआउट्स टाइप होता है सेमीफाइनल. तो मतलब हमें ऐसा लगा था कि हम शायद वो मैच जीत जाएंगे, क्योंकि हमारी जब बॉलिंग आई थी तो हमने शायद ज़्यादा रन्स दे दिए थे दूसरी टीम को, जो कि हमसे थोड़ा मतलब मुश्किल हुई चेस होने में. तो एक्साइटमेंट तो काफ़ी थी, क्योंकि वो सेमीफाइनल था, फर्स्ट WPL का हम और सेमीफाइनल में क्वालिफाई कर रहे थे, तो बहुत बड़ी बात है. क्राउड के सामने ऑफकोर्स अच्छा लगता है खेलना, पर मुंबई के सपोर्टर्स काफ़ी ज़्यादा थे, क्योंकि DY पाटिल में था मैच, तो UP के बस पेरेंट्स थे सपोर्टर और काफ़ी कम सपोर्टर थे. तो मैंने मतलब जब मैंने 19 का फॉर्मेट खेला था, तो मेरे दिमाग में ये था कि मतलब मुझे अपना बॉल डालना है, बैट्समैन कुछ भी करे. पर ऐसा नहीं होता है, जब ये होता है कि हम ज़्यादा एक्सपीरियंस प्लेयर के साथ खेलें और ज़्यादा अच्छे प्लेयर्स के साथ खेलें, तो हमें उनके दिमाग से चलना पड़ता है कि वो नेक्स्ट स्टेप क्या लेने वाले, तो उस हिसाब से बॉल डालनी पड़ती है. तो मैंने इस चीज़ पर काम करा है. वो मैं तो उन्हें शुरू से ही जानती हूँ, मतलब जब से मैंने क्रिकेट स्टार्ट करा था, तो वो दिल्ली में रहती हैं और मैं नोएडा में रहती हूँ, तो आसपास ही रहते, तो ऑलमोस्ट हम प्रैक्टिस मैचेस साथ में खेलते रहते हैं और काफ़ी बचपन से हम जानते हैं एक दूसरे को, जब से हमने क्रिकेट स्टार्ट करा. तो मतलब हम दोनों ऐसे हैं कि मतलब काफ़ी कुछ शेयर कर लेते हैं आपस में, जो चीज़ अच्छी लगती है जो चीज़ बुरी लगती है आपस में हम दोनों काफ़ी शेयर कर लेते हैं. काफ़ी क्लोज हैं हम, शुरू से खेलते आए हैं हम, सब साथ में खेले हैं और अब तक खेल रहे हैं, काफ़ी अच्छा लगता है. मेरा यही रहेगा कि मतलब मैं 1 मैच एट अ टाइम लूँ और उसमें अपना 100% से भी ऊपर दूं और हाईएस्ट विकेट टेकर बनूं WPL में, जब मौका मिलता है मैं अच्छा परफॉर्म करूँ.